बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह या हय्यो या क्यूम। किताब ज़िक्र इलाही जहाद अकबर सफ़र नंबर 70। तालबान तरीक़त के लिए कोई वो ज़िक्र बताओ जो तेरे जिस्म और वजूद में जारी हो और जिसका तूने कभी नागा ना किया हो। कोई वो बुराई बताओ जो तुम कभी नहीं करते। कोई वो नेकी बताओ जो तुम हमेशा करते हो। ये तीनों चीज़ें इंसानी ज़िंदगी की मंजिल हैं। माशाल्लाह मौत हयात से बेपरवाह होकर अल्लाह ही के ज़िक्र व फ़िक्र में महव रहा करो। यही तेरी ज़िंदगी की मंजिल और इसी पे तेरा दारो मदार। सुल्तान रूह के लिए मुज़दाए जान फिज़ा सहल तरीन। सुल्तान नफ्स के लिए दुश्वार तरीन। कभी नहीं मानता बात बात पे तावीलात जारी रखता है। है कोई जवान जो इसे कभी मनमानी न करने दे आते ही लताड़ दे। वमन अरदा अन ज़िक्री फ़इन लहू मईशतन दनकम वना शुरू यौमल क़ियामती अअमा। सूरत ताहा आयत नंबर 124। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सफ़ी अल्लाह की औलाद की सारी दास्तान चार अबवाब पर मुश्तमिल है। ईमान, कुफ्र, कमाल, जवाल। ज़िक्र इलाही की बदौलत और मन अरदा अन ज़िक्री के बायस जुमला अबवाब मुरतब। ज़िक्र इलाही तौफीक इलाही पे मौकूफ़। ज़िक्र करते ज़िक्र की तौफीक पे इतरा। बुराई करते शर्मा। सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के ज़िक्र से रू गर्दानी। कोई भी हो जब अल्लाह के ज़िक्र से रू गर्दानी और अल्लाह के कायम करदा हुदूद से तजावज़ कर जाता है, अज़म हिम्मत जुरत तवक्कल छिन जाता है। निगहबान वाव सारबान वाव पासबान दूर हटा दिए जाते हैं और यही मशीयत इलाही का खासा है। बातें बंद करो, ज़िक्र जारी करो। वमा अलैना इल्ल बलाग। जो कुछ पढ़ा या सुना गया अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।